हिमांशी खुराना का नया ट्रैक डिस्टेंस फाइनली रिलीज हो चुका है। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस तरह का ये गाना है और क्या कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इस गाने के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि हिमांशी खुराना का मच अवेटेड ट्रैक डिस्टेंस रिलीज हो चुका है, जिसमें की सिजलिंग हॉट नजर आ रही है हिमांशी खुराना। कहीं ना कहीं ये गाना आपको आसिम और हिमांशी की याद दिलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों भी डिस्टेंस में प्यार कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस जो है वो डसता नजर आ रहा है हिमांशी खुराना को, क्योंकि ऐसा ही कुछ इस गाने के लिरिक्स हैं। वेल अगर लिरिक्स की बात की जाए तो बंटी बेन्स ने इस गाने की लिरिक्स लिखे हैं और डीसी क्रू इस गाने को लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि टी सीरीज पंजाब, जी हां अपना पंजाब टी सीरीज ने इस गाने को यूट्यूब पर डाला है और आते ही लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं इस गाने के व्यूज देखें तो तकरीबन लाखों व्यूज अभी तक इस गाने को मिल चुके हैं। महज 2 घंटे हुए हैं इस गाने को आए हुए। मैं बता दूं हिमांशी खुराना एक्सट्रीमली गॉर्जियस, एक्सट्रीमली टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर भी हैं। वही इस गाने में हमें नजर आ रहा है, एक बहुत ही सूदिंग सा, बहुत ही जैजी, ईजी ब्रीजी काइंड ऑफ अ फील देता हुआ ये गाना है। और कहीं ना कहीं हिमांशी जो है वो इस गाने में काफी प्रॉपर तरीके से फिट कर रही हैं अपनी आवाज को। मैं बता दूं कि ये गाना हिमांशी ने खुद गाया है और ये गाना बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जैसा मैंने कहा कि इजी ब्रीजी वेव्स देता हुआ गाना है। हिमांशी का एक अलग ही स्टाइल है गाना गाने का। काफी लोगों ने पिछले कुछ समय में हिमांशी और शहनाज को काफी कंपेयर किया था, लेकिन अगर आप शहनाज गिल को सुने तो उनकी आवाज का जो फ्लो है वो काफी पेपी गानों के लिए है। लेकिन अगर हिमांशी खुराना की बात की जाए तो उनकी आवाज का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा जैजी और इजी ब्रीजी गानों के लिए है। सो वैसा ही ये गाना है डिस्टेंस ट्रैक। तो ऑडियंस को तो पसंद आ ही रहा है, कमेंट सेक्शन पॉजिटिव कमेंट से भरा हुआ है। लेकिन आप लोग, जी हाँ आप लोग मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा हिमांशी का ये नया ट्रैक डिस्टेंस।